8 दुकानों में चोरी की वारदात। एसडीओपी कार्यालय के पास की घटना। दुकानों की शटर खोलकर वारदात को अंजाम। थाना सिवनी मालवा क्षेत्र अंतर्गत एसडीओपी कार्यालय के पास बने किराना बाजार में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात चोरों ने करीब 8 दुकानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह करीब 6 बजे के आसपास जब दुकानदारों को इसकी सूचना मिली तो बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्रित हो गए। इसके साथ ही थाना प्रभारी शंकर सिंह ठाकुर सहित अन्य पुलिसकर्मी भी जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। व्यापारियों का कहना है कि दुकानों के ताले तोड़े बिना शटर को बीच में से ऊंचा करके जो दुकानों के अंदर घुसे हैं और दुकानों के अंदर रखे गल्ले में से पैसे चोरी हुए हैं, जिसके पश्चात व्यापारी एकत्रित होकर थाना सिवनी मालवा शिकायत करने पहुँच गए है। पुलिस ने 8 दुकानों में चोरी की वारदात के बाद जिले से डॉग स्क्वाड को बुलाया है। सुनील दामंदे हैं। क्या लग रहा है उसको, क्या क्या चोरी गया हुआ? सर शटर ऊंची करके आए हैं और पैसा ड्राज पे देख रहे हैं, ड्राज फैली हुई है, उसमें चिल्लर रखे होते हैं, हम जो भारी होती है डेली हम घर नहीं ले जाते हैं, खुले पैसे छोड़ के जाते हैं 5-7 हजार के, और चिल्लर होगी 12-15 हजार की, तो कुछ छोड़ भी गए हैं। 500-1000 रुपये की खुली छूटी दिख रही है, 15 हजार रुपये करीब का नुकसान ये है चिल्लर कैश का, और सामान भी अस्त व्यस्त देखते हैं। सुबह कैसे पता चला? सुबह हमें फोन द्वारा सूचना मिली, मेरे भाई का फोन भी आया, मतलब भाई को किसी थाने से फोन आया था, फिर मुझे भाई ने बताया, जगाया कि भैया शटर टूटी है, चलना है अपने। अच्छा, आपके आसपास बाजार में लगभग कितने दुकानों में? बाजार में अभी मोटा मोटा तो 7 दुकानों का सुन रहे हैं, 3 किराना की, 4 जनरल की।